आप सभी अच्छे होंगे। और हमारे तरफ देखिए कितना बारिश हुआ है और बारिश का पानी देखिए कितना इकट्ठा हुआ है। और यहाँ देखिए बच्चे सबको मछली पकड़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं देखिए कैसे मछली पकड़ रहे हैं। और यहाँ टेम्पू लेकर आए हैं सब मछली पकड़ने के लिए। और बहुत सारे लोग थे सुबह मॉर्निंग में, तो और भी ज़्यादा लोग थे, मतलब सुबह 6-7 बजे के करीब लेडीज जेंट्स सब इधर के आ गए थे ये झोपड़पट्टी वाले, और सब मछली पकड़ रहे थे यहाँ पे। अभी तो बहुत सारे कम हो गए हैं बच्चे, अभी तो सिर्फ बच्चे ही आप लोग को दिख रहे हैं देखिए। और पानी देखिए कितना हुआ है, मतलब इतना बारिश हुआ है रात से, कितना पानी हो गया है इकट्ठा, और इसी में सब मछली पकड़ रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यहाँ देखिए मेरी बेटी की मस्ती, स्कूटी चला रही गई है। स्कूटी चलाने आता है बेटा? और यहाँ देखिए कितना बारिश हुआ है, देखिए पानी देखती है आप लोग। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम का मतलब 6-6:15 हो रहा होगा। और ऐसे मौसम में हम सबका खाने का मन कर रहा था कुछ चटपटा, कुछ मसालेदार, कुछ। तो आज सबने सोचा कि चलो आज बनाते हैं चाट, तो आप सबके साथ शेयर करते हैं हम वो चाट जो हम लोग खाएंगे और बनाएंगे, रेसिपी नहीं शेयर करेंगे। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका रेसिपी भी शेयर करूंगी, बनारस की बनारसी टमाटर वाली चाट। तो चलिए हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने से पहले आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ देखिए हमारी बेटी को, सबको हेलो बोलो। कैसे हैं आप सभी? और कुछ बोलना है सबको? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब करिए। और काफ़ी टाइम से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही है, इसकी वजह से मेरी कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो अभी मैं आई हूँ अपने मायके, और यहाँ पे देखिए मेरी, तो आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। जैसे ही मैं ठीक हूँगी आप सबका भी सपोर्ट करूँगी। और काफ़ी टाइम से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा कि आज छोटा सा ही, मतलब 5-10 मिनट का तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 6-7 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो आप सबके साथ शेयर करते हैं, और आप सब अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना सब चीज़ हमें दिखाइए, और ऐसे ही साथ बनाए रखिए। और प्लीज़ जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए, और मैं भी सबके वो जैसे ही ठीक होंगी सबका सपोर्ट करूँगी। और इधर का व्यू तो आप लोग को दिखा दें अच्छे से, आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा अभी। सो फ्रेंड, हम यहाँ बनाने जा रहे हैं टमाटर की चाट, और ये बहुत ही यम्मी वाली चाट है, और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और ये काफ़ी मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही व्लॉगिंग करके रखा था। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ घी, और देसी घी डालेंगे। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा बना था ये चाट, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, लेकिन बहुत अच्छा बना था, सबको पसंद आया था। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा, और उसके बाद हरी मिर्च, लहसुन, ये सब डालेंगे बस। आप लोग देखो, और आलू, आलू जो हम लोग उबाल लेंगे, आलू उबाल को उसका छिलका उतार लेंगे। उसके बाद पहले इसमें हम डालेंगे हरा मिर्च, क्योंकि इसके बाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब मैं इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, बस ऐसे ही आप लोग को दिखा रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी। तो यहाँ मैंने हरा मिर्च और लहसुन डाल दिया है, उसके बाद धनिया, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब मैं डाल के बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। और ये घर के, मतलब घर के सामानों से ही बना था, बाहर का कोई भी सामान इसमें नहीं हुआ था। जीरा घर के सामानों से ही बनाए थे, जैसे कि आपके आपके घर में वो हर सामान मिल जाएगा जिससे हम ये चाट बना सकें। और बनाना भी एकदम आसान है, हल्दी मतलब हर मसाला हम डाल दिए हैं। और
आप एकदम आराम से बना सकते हैं, जिनको नहीं भी आता वो भी बना सकते हैं, एकदम अच्छा आराम से और सस्ता, मतलब केले वाली चाट जैसी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगी थी और सबको पसंद आया था। फर्स्ट टाइम हम बना रहे थे, लेकिन मेरे मन में भी ये डर था ना, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, सबको बोल रही हूँ कि चाट बनाए कैसा बनेगा कैसा नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा बना था और सबको पसंद आया था। तो यहाँ पे टमाटर पहले डाल देंगे, उसके बाद गैस को कम कर देंगे, हल्का मिला के और उसको ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। और इधर हम चाशनी तब तक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी रख दी हूँ और पानी में चीनी डाल के एक तार वाली चाशनी हमें तैयार करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस एक तार वाली चाशनी हमें हो जाए ताकि हम चाट में मीठे चटनी की जगह पे। और हाँ, आप लोगों के पास अगर इमली होती है मीठी पानी भी थोड़ी सी इसमें डाल सकते हैं इस चाट में, बट मैं नहीं डाली थी क्योंकि मेरे पास था भी नहीं और मैं डालना भी जरूरी समझी थी। कुछ लोग नींबू भी डालते हैं, मैं कुछ नहीं डाली थी, ऐसा कुछ नहीं डाली थी क्योंकि मेरा चाट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। आप लोग देख सकते हैं ये टमाटर वाली चाट है, इसमें टमाटर ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा मात्रा में टमाटर यूज होता है। और अब हम इसे देख लेते हैं। तो पहले हमने चाट को निकाल लिया, गोलू के साथ एक वाली चाशनी बनाई है उसे डाल देंगे, उसके बाद उस पे प्याज डाल देंगे और उस पर चाट मसाला, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर ये सब डाल के, उसके बाद उसमें नमकीन डाल के हम अपना चाट रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम चाट अच्छे से हो गया खा सकते हैं, फैमिली के साथ खा सकते हैं, खा सकते हैं जैसी आपकी मर्जी वैसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाट लग रही है, देख सकते हैं आप लोग कितने हम लोग हैं। मम्मा थोड़ा थोड़ा चाट आएगा अलग से अपने बर्तन में ले रहा है। और यहाँ पे 5 चाट लग रहा है इसमें और 1 चाट उधर मेरे भाई का, तो हम लोग 6 जन थे तो 6 जगह चाट लग गया। और चाट बहुत फ्रूटी पी रही है, उसको फ्रूटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो जूस जूस करती रहती है, हमेशा रोती रहती है। और बस तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और पता है अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मेरे बोलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।